मुंबई सपनों का शहर, जिसे माया नगरी भी कहते हैं। मुंबई आधुनिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शहर, जहां मात्र 603 किलोमीटर स्क्वायर के छोटे से भूमि पर 1.5 करोड़ की आबादी रहती है। आप शायद ही जानते होंगे कि मुंबई शहर को बहुत ही जतन और बहुत ही कड़े परिश्रम से बनाया गया है, पर जब यह बोला जा रहा है कि इस शहर को बहुत ही कठिन परिश्रम से बनाया गया है, तो इसका मतलब केवल इस शहर की समृद्धि से ही नहीं, बल्कि मुंबई शहर जिस भूमि पर मौजूद है, उस भूमि की भी बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस भूमि पर मुंबई शहर स्थित है, उस भूमि को मनुष्यों ने अपने बड़े ही पुरुषार्थ से भारत की मुख्य भूभाग से जोड़ा है। बिना समय गवाए आपको पूरी बात बताते हैं, और अगर आप यह बात नहीं जानते होंगे, तो आप यह बात जानकर निश्चित ही रोमांचित हो उठें। आज का मुंबई शहर पहले 7 आइलैंड्स के रूप में बंटा हुआ था। यह 7ों आइलैंड्स एक दूसरे से जुड़े नहीं थे, और यहाँ पर आना जाना काफ़ी मुश्किल था। ईसा से 300 साल से लेकर 15वीं शताब्दी तक यहाँ पर कई भारतीय राजाओं और मुस्लिम सुल्तान का शासन रहा, लेकिन इतिहास में इन 7 आइलैंड का महत्व बढ़ गया जब यहाँ पर पुर्तगाली लोग आए। सन 1534 में पुर्तगाली लोगों ने मुस्लिम शासक हुमायूं और बहादुर शाह के साथ ट्रीटी ऑफ पेशिन साइन कर लिया था, और थाने के पास इन 7 आइलैंड पर पुर्तगालियों ने अपना कब्जा जमा लिया, और उस समय इन 7 आइलैंड पर इन्हीं मुस्लिम शासकों का शासन था। पुर्तगालियों ने यहाँ पर रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म फैलाने का प्रयास किया और यहाँ कई चर्च बनवाए। पुर्तगाली लोग शुरुआत में तो पहले इन 7 आइलैंड्स को कई नाम से बुलाया करते थे, लेकिन पुर्तगालियों ने बाद में इसे बॉम्बियम का नाम दिया, और उस समय के साथ इन 7ों आइलैंड का नाम भी पड़ा, और इन 7 आइलैंड का नाम पड़ा कोलाबा, लिटिल कोलाबा, बॉम्बे, मजगांव, वर्ली, परेल और माहिम। लेकिन जिस समय पुर्तगाली लोग इन 7 आइलैंड्स पर राज कर रहे थे, उसी समय ब्रिटेन के लोग का भारत के पूरे हिस्से पर कब्जा का प्रयास भी चल रहा था, और ब्रिटेन को इन 7 आइलैंड्स की आवश्यकता थी, जो कि एक नेचुरल बंदरगाह की तरह था, और ब्रिटेन के लोग इन आइलैंड्स को पाने का प्रयास कर रहे थे। इसी प्रयास में ब्रिटेन के लोगों ने अपने देश के राजकुमार चार्ल्स टू की शादी का प्रस्ताव पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रंगाजा को भेजा, जो कि पुर्तगालियों ने स्वीकार कर लिया, और दहेज में बॉम्बे के इन 7 आइलैंड को इंग्लैंड को दे। उसके बाद बॉम्बे के 7 आइलैंड्स इंग्लैंड के राजकुमार के हाथ लग गए, और इंग्लैंड के राजकुमार ने मुंबई के इन 7 आइलैंड्स को ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड पर एनम के हिसाब से दे दिया, और यहीं से शुरू होती है मुंबई के निर्माण की कहानी। इंग्लैंड के हाथों मुंबई के इन 7 आइलैंड्स के आते ही उन्होंने अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर को सूरत से मुंबई में शिफ्ट कर दिया, और इतने बड़े कंपनी का हेडक्वार्टर यहाँ बनते ही यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ भी शुरू हो गई, और यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, और जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ने के कारण कई सरकारी और प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पर अपनी फैक्ट्री और ऑफिस खोलने के लिए ज़मीन की आवश्यकता पड़ने लगी, और ज़मीन के इस कमी को पूरा करने के लिए इंग्लैंड के गवर्नमेंट ने मुंबई को इन 7 आइलैंड्स को जोड़ने का निर्णय लिया। इन 7 आइलैंड्स के बीच समुद्र का पानी थोड़ा कम गहरा था, इसलिए इंग्लिश गवर्नमेंट ने इन 7 आइलैंड्स के बीच एक नई ज़मीन बनाकर इसमें ज़मीन बढ़ाने का निर्णय लिया। इंजीनियरिंग की भाषा में इसे लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं। 1782 में बॉम्बे के गवर्नर विलियम हॉर्नबी ने वर्ली आइलैंड के पास में सी वॉल बनाने का आदेश दिया, जिसमें समुद्री टाइट से आइलैंड का बचा हुआ हिस्सा समुद्र में ना डूब जाए, और इसके बाद मुंबई के इन 7 आइलैंड्स को जोड़ने का प्रयास शुरू हुआ। 1845 में मुंबई के इन 7 आइलैंड्स को जोड़कर बनाया गया आज की मुंबई। पहले इसका नाम बॉम्बे था, पर 1955 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया, और आज दक्षिण एशिया के सबसे बड़ी आर्थिक केंद्र भी है। और इस तरह सपनों का शहर मुंबई आज आर्थिक रूप से इतना संपन्न है।